Merry Christmas! Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride Himalayan all the way. Hey! Merry Christmas! प्रभु आपके मन के अंदर बाहर घर परिवार देश और दुनिया में प्रेम अमन शांति चैन और भाईचारा बनाए रखे. So, today is 25th of December 2021. आज क्रिसमस है तो एक छोटा सा क्रिसमस राइड मैंने प्लान कर लिया. एंड डूअर्स दोबारा मुझे बुला रही है. सो, एक डूअर्स का प्लान फिर से बना है. एंड दिस टाइम आई एम हेडिंग टुवर्ड्स जल ढाका बिंदु पॉइंट जो कि सिलीगुड़ी से लगभग 115 किलोमीटर्स है. लगभग मुझे 3 घंटे लग जाएंगे क्योंकि ब्लॉगिंग का ज़िंदगी ही ऐसा है, शूट करते करते हमें टाइम लग जाता है. सो दिस टाइम मैंने कवर नहीं किया आपको जो सेवक वाला, मैं ऑलरेडी आपको वो शो कर चुका हूँ. तो आई एम गोना कीप इट शॉर्ट. एक वहाँ पे मोड़ आएगा जहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है जल ढाका के लिए. सो बिफोर रीचिंग दैट पॉइंट मैं मोटो व्लॉग में आपको बता दूंगा कि हमें कहाँ जाना है. ओके, जल ढका आने के लिए आपको क्रॉस करना पड़ेगा सेवक, ओदलाबाड़ी, माल बाजार, चालसा. एंड आपको ये पास आ रहा है खुनिया मोड़. खुनिया मोड़ से हमको देना है लेफ्ट. सो ये आप जंक्शन आ जाएंगे. अब देखते हैं यहाँ से अलीपुरद्वार 105 किलोमीटर, लाटागुड़ी 24 किलोमीटर, मूर्ति 7 किलोमीटर, बिंदु और झालुंग यहाँ पे लिखा हुआ है 24 किलोमीटर और बिंदु 33 किलोमीटर. सो जब ये वाला एरिया हम एंटर होते हैं तो ये है चापरा मारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो यहाँ से चापरा मारी है 3 किलोमीटर, एसएसबी कैम्प 8 किलोमीटर और खुमानी 12 किलोमीटर. यहाँ से झालोंग 24, बिंदु 32 और जाल ढाका 23. सो हमें यही रूट लेके चलना है. चलिए, ज़्यादा दूर नहीं है. गूगल भी मुझे 39 मिनट्स दिखा रहा है. It's a lovely road, isn't it? बड़े बड़े पेड़ से घिरा हुआ बीच से रोड जाती हुई. नॉट दैट गुड बट मैनेजेबल. ओके ओके, मैं कल तक भी काफ़ी कन्फ्यूज था. अगेन वेरी डेंजरसली यार, ये वो बना रखा है लेकिन वो रोड्स वगैरह निकले हुए हैं. व्हाट दे आर डूइंग यार. जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि कल तक भी मैं श्योर नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगा. आज भी निकलना है, मुझे पता था कि जाना ही जाना है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे राइड पे निकले हुए. बट अगर मेरे दिमाग में, दिल और दिमाग में कशमकश था कि मैं कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ. मैंने माने भंजंग का प्लान लगभग कन्फर्म कर चुका था. फिर एन मौके में मैंने उसको कैंसिल करके
झालोंग को ही मैंने प्रेफर किया, झालोंग एंड जालढका। बेसिकली झालोंग एंड जालढका आर द सेम, बोथ आर सिनोनिम्स। झालोंग रिवर जालढका में आके ही जालढका हो जाता है, तो वो जगह का नाम ऐसे बड़ा वो रिवर की वजह से। ये है कुमानी। अच्छा कुमानी चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट से हमको राइट लेना है। यस 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 यस। तो यहाँ से आप सांसिंग भी जा सकते हैं 8 किलोमीटर, मेटली 10, चालसा 15। हमें राइट लेना है जो कि है यहाँ से लगभग 21 किलोमीटर। तो ये चेक पोस्ट आके आपको राइट लेना है, यहाँ से बिंदु आपको 21 किलोमीटर। सो ये है गैरीबास का बिंदु व्यू पॉइंट। खाने के लिए छोटा मोटा आपको मिल जाएगा। ये देख ही सकते हैं। सो ये है झालोंग नदी। सो नदी के इस पार है हमारा इंडिया, नदी के उस पार है आपका भूटान। लेकिन आप छोटे भूटान में भी आप छोटे छोटे घर देख सकते हो। तो हमें यहीं कहीं जाना है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, मुझे वहाँ पे जाना है। तो बराज वहाँ पर है, उस तरफ है या इस तरफ है। अब वो नीचे देख सकते हो काफ़ी सारी गाड़ी एक जगह पे खड़ी हुई है, शायद पिकनिक के लिए रुकी हुई है। ओह माय गॉड, बहुत ही अच्छी जगह। वहाँ पे शायद उन्होंने फ़िश फार्मिंग के लिए भी वहाँ पे छोटा सा उन्होंने एक पॉइंट बना रखा है। चलिए चलती है, मुझसे रहा नहीं जा रहा यहाँ से इतनी दूर से देखते हुए। यू कैन जस्ट इमेजिन बरसात के टाइम पे कैसा हालत होता होगा यहाँ से। तो इस रास्ते से तो नदी बहती होगी। लेकिन पहाड़ों का यही सीन है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी बनाओ, लैंडस्लाइड्स वगैरह सारा बहा के लेके चला जाता है। एक्चुअली प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती ना इस वजह से। यहाँ का जो मिट्टी है खुरदुरा है, लूज सॉइल इस पार्ट ऑफ द रीजन में। सो डेवलपमेंट रैम्पेंट है, अनप्लान्ड है, कहीं भी कोई भी कुछ भी बना रहा है। सो उसकी वजह से एंड डिफॉरेस्टेशन, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स तो होना ही है। गाड़ियों का शायद यहाँ पे पेपर देखते हैं, हमें कहाँ जाना है। ओह सो यहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है मेरे को। बिंदु बरस कता पड़ी हो, इधर पड़ी ये, उसे कहाँ जाना है, पिकनिक स्पॉट हो। थैंक यू, हमें जाना है बिंदु राज। तो वहाँ पे पिकनिक स्पॉट है, आपने को पिकनिक नहीं मनाना भाई, हम पिकनिक के लिए नहीं आए हुए हैं। सो हम आ गए हैं यहाँ पे हाइडल पावर प्रोजेक्ट पर। सो ये जो एरिया है यहाँ पे आप अपना
फ़ोटो वगैरह खींच सकते हैं, तो हम भी यहाँ पे फ़ोटो खींचने चले जाएंगे। लेट्स सी कैसा दिखता है। बहुत ही सुंदर, ओह माय गॉड, गहरा है बहुत, बहुत तो नहीं लेकिन यहाँ पे गहरा है, अच्छे से स्विम कर सकते हैं यहाँ पे क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा है ना। नाइस, बहुत ही नाइस, बहुत ही बहुत ही बहुत ही नाइस। पास ही में एक इटरीज है, वहाँ पे जाके आप अपना कुछ छोटा मोटा स्नैक्स खा सकते हो। आजकल लोग बहुत ऑफ बिट डेस्टिनेशंस प्रिफर कर रहे हैं, सो ये छोटी छोटी जगह भी काफ़ी डेवलप हो रहा है। होम स्टेज की मदद से एक सोर्स ऑफ अल्टरनेट इनकम भी हो जाता है ना। यहाँ पर भी छोटा, ओके दिस इज एप्पल स्टोन, सो होटल एप्पल स्टोन। इसका कहानी ये है कि ये एक जो छोटा बड़ा पहाड़ पत्थर दिखाई दे रहा है, एक एप्पल शेप में दिखाई दे रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एप्पल स्टोन का होटल खोल दिया गया है। लोग काफ़ी आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए भी। सो एप्पल स्टोन इज ऑन द वे, ओके सो दिस इज एप्पल स्टोन। शायद हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, ये आखिरी सेटलमेंट है, द लास्ट विलेज इस पॉइंट पर। लोग यहाँ पर भी इतनी, देखिए घर वगैरह कितनी बढ़िया तरीके से, इतना दूर है ये शहर से, देखिए आलीशान दो मंजिला तीन मंजिला घर वगैरह है, काफी कॉन्क्रीट्स के। बैरस कहाँ पड़ी हो, इधर पड़ी हो। सो यहाँ पे पूड लगा हुआ है, अब से आप राइट ले लो, यहाँ पे रोड थोड़ा खराब है। राइट, ये जाता है उस कैंप के लिए। अबे बारिश है क्या है? यहाँ पे ट्रैफिक जाम लग गया। हे भगवान क्या होगा, लोग ज्यादा हो गए। वी कैन से, अब हम नहीं बोल सकते कि ये ऑफ बीट है, देखिए इतना भीड़ यहाँ पे। ओहो यहाँ पे छोटा सा फ्ली मार्केट लगा हुआ है, अब सुविनियर्स वगैरह लेके जा सकते हैं यहाँ से। ओहो काफ़ी अच्छे से डेवलप करके रखा हुआ है इन्होंने। चलो ओके, सो यू कैन सी द बैराज फ्रॉम हियर, लोगों का जमावड़ा लगा है यहाँ पे। कहाँ पे जाऊँ, और आगे ही जाता हूँ। Let's see. आगे भी लेके जा सकते हैं क्या?
सो हम पहुंच गए हैं बिंदु बराज में, वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड। सो ये है अजालडा का हाइड्रल पावर प्रोजेक्ट। सो दिस इज़ अ प्राइवेट प्लेस, आप यहाँ से सिर्फ स्पेशल परमिशन लेने के बाद ही आप यहाँ से अंदर जा सकते हो। एंड मैंने यहाँ से सुना था कि आप यहाँ से वाया आप भूटान भी जा सकते हो। सो वो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो भूटान में है, कोई ऑफिशियल्स वहाँ पे होंगे। चलिए आए उतरते हैं, थोड़ा मज़ा लेते हैं। सो एक होटल में मैं अभी रुका हुआ हूँ यहाँ पे एक लंच करने के लिए। सो एक थाली मंगवाया है मैंने। सो आप यहाँ पे पहले पेट पूजा करते हैं, उसके बाद थोड़ा घूमता हूँ। बराज मेरे सामने ही है, आप देख सकते हैं। वो खाने का ऑर्डर भी किया ला उनसे। ये देखिए खाने में कुछ है, चावल दाल अंडा करी आलू भाजा और प्याज। एंड ये सीन काफ़ी अच्छा है ना, यहाँ से खाते हुए इस नज़ारे को देखते हुए। सो आई एंजॉय माई फूड एंड आई कैच यू लेटर। ओके, मैं पहुँच चुका हूँ बिंदु डैम पर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये इट इज़ सिचुएटेड एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2000 फीट अबव द सी लेवल। ये डैम एक ब्रिज के जैसे भी काम करता है फॉर द पीपल ऑफ भूटान टू कम ओवर हियर इन इंडिया एंड डू ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ्स, आई मीन लीगल स्टफ्स। एंड आप यहाँ पे देखो तो जो वो कंस्ट्रक्शन जो बना हुआ है यहाँ पे, ये भूटान का ऑफिशियल्स का कंस्ट्रक्शन है। और ये है हमारा बैराज। आप जो बीच वाले जो गैप में देख सकते हो, ये फुल फोर्स में पानी बह रहा है। एंड ये वाला पोर्शन है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, आप अंदर घुस नहीं सकते हो। सो इट टुक मी अराउंड 3.5 hours फ्रॉम सिलीगुड़ी टू बी शेयर। बहुत ज़्यादा टाइम मुझे लग गया, लेकिन इतना लगना नहीं चाहिए। लेकिन बीच बीच में मैंने हॉल्ट किया काफ़ी शॉर्ट्स वगैरह एंड ब्लॉग के लिए। सी रिवर इज़ फ्लोइंग विद अ वेरी फोर्स, बहुत फोर्स है यहाँ पे इस वाले एरिया में, आप देख सकते हो यहाँ पे। एंड बहुत से लोग भी आए हुए हैं, आप बहुत बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे। आप नहीं कह सकते हो कि ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन है, दिस इज़ वेरी मच हैपनिंग गाइस, एवरीबडी आउट हियर, बहुत बहुत लोग।